नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूँ आपके साथ दोस्ता। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के श्रीराम ग्रुप ऑफ कॉलेज के फैशन शो स्प्लैश 2023 के आखिरी दिन बुरके में रैंप वॉक कर कैट वॉक किया गया था। अब मुस्लिम समाज के संगठनों ने एतराज जताते हुए इसकी निंदा की है। जमियत उलेमा का कहना है कि बच्चों को शिक्षा के बजाय गलत चीजों में उलझाना गलत। इसके साथ ही उलमा ने भविष्य के लिए चेतावनी भी दी है। रविवार रात को हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सानिया बिंदल, सतीश गोयल, विशिष्ट अतिथि राकेश बिंदल, डॉक्टर एससी कुलेश्रेष्ठ और संकल्प कुलश्रेष्ठ डॉक्टर प्रगति सक्सेना अतिथियों ने किया था। और इस अवसर पर अभिनेत्री मंदाकिनी और टीवी कलाकार राधिका गौतम भी मुख्य अतिथि रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम पर रैंप पर छात्राओं और मॉडल्स ने कैटवॉक कार्यक्रम किया और देर रात बुरखे में भी मॉडल्स ने कैटवॉक। सोमवार को जमियत उलमा के कन्वीनर मौलाना मुकर्रम काजमी ने इस पर कड़ा एतराज जताया। शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए श्रीराम कॉलेज को भविष्य के लिए चेतावनी दी। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक कॉलेज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें लड़कियां बुरके और हिजाब में कैटवॉक करती दिख रही हैं। वीडियो जो है वो श्रीराम ग्रुप ऑफ कॉलेज का है। श्रीराम में गुजरे जमाने में हीरोइन मंदाकिनी भी मौजूद थी और जमीयत उलेमाए हिंद ने बुरके में कैटवॉक को मुस्लिमों की भावनाओं को भड़काने की साजिश बताते हुए कार्यवाही की मांग की। वही कॉलेज प्रशासन ने बातचीत में करते हुए इसे एक अच्छा इवेंट बताया और विरोध पर हैरानी भी जताई। तो फिलहाल के लिए इतना ही और भी अपडेट के लिए जुड़े रहे इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।